जय श्री कृष्ण मित्रों, आज का लाइव तस्वीर, संध्या का टाइम है, गोदुली बेला है, बहुत सुंदर नज़ारा आपको गौशाला निर्माण का बता रहे हैं। कारीगर लगे हुए हैं, कटिंग पत्र स्टोन जो ले जाके वार्डों में लगा रहे हैं, इनकी मोटरसाइकिलें भी यहाँ पर छोड़ी हुई है। और बाकी इस साइड का जो ये वार्ड बना है, अभी तक इसका निर्माण चल रहा है, बाकी इसके चार दीवारी के ऊपर कटिंग पत्र लगा दिया है और ऊपर है जो इसका ये इस टाइप के ठेबे लगा रखे हैं। ऊपर इसके लैंप लगेंगे, लैंप में हर लैंप में लाइटें लगेगी रोशनी के लिए। सामने गौशाला ऑफिस बना हुआ है, इसका लुक बड़ा शानदार आया है, बहुत शानदार नज़ारा आप जो लाइव तस्वीर द्वारा देख पा रहे हो। जो नया निर्माण का वार्ड बना है, जिस जगह ये कारीगर लोग स्टोन लगा रहे हैं, अंदर और बाहर दोनों साइड से कटिंग स्टोन लगा रहे हैं और इसके ऊपर डिजाइनिंग जाली लगेगी बहुत शानदार की। जाली के ऊपर जो है वो है लगेगा रेलिंग लगेगी बड़ी शानदार की। ये गौ माता के रैन बसेरा करने के लिए, चारा चरने के लिए शेड बना है, जिसमें इंटरलॉकिंग टाइलें बहुत शानदार लगी है और आगे भी शेड बने हैं। देखिए जिस जगह पानी की तराई हो रही है, अभी तक स्टोन लगा रखे हैं, मिस्त्री लोग लगे हुए हैं, पानी की तराई कर रहे हैं। बहुत शानदार नज़ारा आप निर्माण का देख रहे हो। उस साइड में भी कुछ वार्ड और बने हैं, छाया शेड वगैरह, और इस साइड में चारा का गोदाम बना है। ये भी आपको मैं लाइव तस्वीर द्वारा, निर्माण अभी तक चल रहा है, मसाला वगैरह बना रहे हैं कारीगर लेबर, सीमेंट के कट्टे वगैरह पड़े हैं, तो इसमें स्टोन लगा दिया नीचे की ओर, चारा ख़राब ना हो पाए। ये देखिए इसमें स्टोन लगा दिया तो चारा ख़राब नहीं हो पाएगा, बहुत शानदार स्टोन लगाया है। ये लाइव तस्वीर द्वारा आप देख पा रहे हो, भगवान सभी गौ भक्तों की मनोकामना पूरी करे। लाइव दर्शकों को सामने देख रहे हो, यहाँ से बहुत शानदार वार्ड जो निर्माण का नज़ारा, अति सुंदर दृश्य। परमपिता परमात्मा की कृपा होती है, समय की कृपा होती है, तभी ये ऐसा निर्माण वगैरह होता है। इस साइड में ऑफिस बना है गौशाला का, ये भी शानदार है। पीछे की साइड में कारीगर लोग काम कर रहे हैं, अंदर लाइट फिटिंग का कार्य चल रहा है, अति सुंदर लाइट फिटिंग का कार्य चल रहा है। और ये आपको मैं इस साइड का ऑफिस का नज़ारा, अभी तक मार्बल वगैरह लगना है पूरा, यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ रही है ऊपर की ओर, और इस साइड में अति शानदार गौशाला का ऑफिस बना है, जिसका भी काम चल रहा है, अंदर लाइटें वगैरह फिटिंग हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर मशीनों का छूछा बज रहा है, मेरे हिसाब से लाइट फिटिंग होती होगी। अंदर जाके देखता हूँ मैं, लाइट फिटिंग कर रहा है भाई, कहाँ कर रहा है, ओ उस साइड में लाइट फिटिंग कर रहा है, इस साइड में ये लाइट फिटिंग इसके अंदर तो हो गई, अभी सीमेंट होकर के प्लास्टर होना है केवल इसका, तो पूरा बाकी। इस साइड में पानी का होद बना है बड़ा, और उस साइड में आगे की ओर आप जो लाइव तस्वीर देख पा रहे हो, गौशाला के दूर दराज के वार्डों का निर्माण, बहुत सुंदर निर्माण है। मैं आपको बताता हूँ और आपको जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। संध्या का टाइम है और गोधूली बेला है, सूर्य अस्त हुआ है, और इस समय छाया चित्र फोटो भी है, काफ़ी सही आ रहा है, मौसम के हिसाब से तापमान नहीं है। और यहाँ से एंट्री गेट बनेंगे गौशाला का, शानदार एंट्री, ये सभी नया वार्ड बना है गौशाला निर्माण का, जो आप लाइव तस्वीर देख पा रहे हो, सभी पूरे निर्माण के नए वार्ड बने हैं। और इस साइड से सामने से मिट्टी खोद रखी है, देखिए जिस जगह पूरा धोरा खोदा है, कितना धोरा खोदा है देखिए ये। अब इसमें धीरे धीरे खोद करके मिट्टी लेंगे तो पूरा सही हो जाएगा। इस साइड में अभी ये अपनी गौशाला की गाड़ी 2008 मॉडल खड़ी है, इच्छापुर बालाजी गौ सेवा समिति, नंबर प्लेट टूट कर नीचे पड़ गई है। साइड में पेड़ पौधे लगाए हैं देखिए गौशाला के, बहुत गजब ज़बरदस्त शानदार नज़ारा। अब संध्या के टाइम लाइटें भी लग चुकी है, ये पुराना वाला ऑफिस है गौशाला का, जो इस साइड में जो ऑफिस बना है जिसमें नंदी की मूर्ति लगी है,
पुराना ऑफिस है, यहाँ भगवान की मूर्तियाँ वगैरह लगी हुई है, और इस साइड में पेड़ पौधे वगैरह है। अब इस साइड में, इधर के इस साइड में गौ माता का दृश्य आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए इस साइड में गौ माताएँ चारा चर रही है, लाइव तस्वीर द्वारा देख पा रहे हो। और बाकी आप देखिए, ये यहाँ गौशाला कर्मचारियों के बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ पर ये बूढ़ी गौ माता बांटा स्थली जो बना है, पूरा ही वार्ड है जो बूढ़ी गौ माता बांटा स्थली है। और इस साइड में आगे पार्किंग व्यवस्था भी गौशाला के आगे बहुत शानदार हो रखी है, जिस जगह इंटरलॉकिंग टाइलें वगैरह लगा लेंगे, चार दीवारी वगैरह बना करके, तो अति आप सुंदर दृश्य देख पा रहे हो। ये देखिए अति सुंदर दृश्य आप जो लाइव तस्वीर द्वारा देख पा रहे हो। आप सभी की मनोकामना भगवान पूरी करे। लाइव दर्शकों को कोटि कोटि साधुवाद। इस साइड में मैं आपको पूरा ऑफिस बताता हूँ। अब शाम का झंडा लगा रखा है और भगवान की मूर्तियाँ लगा रखी है, एक अंजनी माता की और एक अंजनी के हस्बैंड केसरी नाम के बंदर, जो शिव का रूप है, केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। अंजनी के गोदी में हनुमान जी भी बैठे हैं, पति पत्नी दोनों की मूर्ति लगी, अंजनी माता की और ये केसरी नाम के बंदर की। और अति सुंदर दृश्य सामने धोरा है, जिस जगह अभी झंडा लगा रखे हैं, और अभी और ही सुंदर झंडे लगेंगे। राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या का, तो इसमें सजावट होगी अभी 10-15 दिनों में पूरी, ध्वज वगैरह लगा करके। अति शानदार दृश्य है। इस साइड में गोपालक रहते हैं, ये गोपालकों का जो देख पा रहे हो, और बाकी है जो ये इस साइड में सामने के वार्ड बने हैं, उस साइड के वार्ड में भी गौ माताएँ खड़ी है। देखिए बहुत अति सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हो। इस साइड में गौ माताएँ चारा चर रही है, पानी पी रही है, कड़ाव के अंदर पानी पी रही है। ये जो लोहे का कड़ाव है, लोह का तत्व है, शरीर में थोड़ा बहुत जाता है तो और भी अच्छा स्वास्थ्य रहता है। लोह का तत्व भी जाना ज़रूरी है थोड़ा बहुत। अपन बर्तन में खाना बना बनाते हैं तो अलग अलग धातु के बर्तन में बनाते हैं तो काफ़ी बार। ये देखिए अति सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हो। आप सभी की मनोकामना भगवान पूरी करे। लाइव दर्शकों को कोटि कोटि साधुवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी की मनोकामना भगवान पूरी करे। ठीक मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। इस साइड में भी बहुत शानदार नज़ारा, और इस साइड में भी गौ माताएँ इसके नीचे खड़ी है, देखिए ये। और उस साइड में चारा का गोदाम है। कहीं हमें ब्याई है कोई? नहीं, गाय हम ब्याई हूँ। कितनी देर पहले ब्याई? तीन बजे ब्याई हूँ। दूध आवे को नहीं हो? दूध आवे उठे पाँव बावे छः बटना हैं। ठंड पड़ा है उठे? हाँ ठंड पड़ा है। बाप ने दूध नहीं आन पायर माय कोई कांबल को डाई हो? कांबल है कौन हैं? मतलब उड़ा दें हम बाबू सर्दी मरे कौन हैं? अटलाओ फोटो बताऊं। ये अभी बछड़ा है? एक बछड़ी? हाँ बछड़ी है, बछड़ी है। ये अभी तीन घंटे पहले ही ब्याई है गाय। और ये तोलाराम साड़ो बहनों ही दो ही सेवा कर रहे हैं। ये सगे साड़ा बहनों ही है, दो ही गुजर है कोटा साइड के। कोटा कन की गाँव थारो? 12। अच्छा, तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हो, गांव बीकम कौर, जिला अभी जोधपुर की जगह हमको लगाना पड़ेगा फलोदी। हमारा नया जिला बन गया फलोदी, परंतु जोधपुर पुराना जिला रही है, जो बार बार याद जोधपुर आवे। अब जिला फलोदी लगाना पड़ेगा भाई। नहीं नहीं, टावरन फलोदी याद आए, मान तो जोधपुर याद आए मतलब है। हाँ, तो ये इस साइड में देखिए पार्किंग व्यवस्था गौशाला के आगे, अति सुंदर बालू मिट्टी भरी हुई है, जिस जगह इंटरलॉकिंग टाइलें वगैरह लगेगी। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मित्रों, भगवान आप सभी को भक्तों की मनोकामना पूरी करे। ठीक मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। और थोड़ी बहुत गायों के लिए सेवा देना चाहते हो, ये हमारे संस्था के QR कोड है,
इच्छा शक्ति आप स्कैन करके आसानी से गौ सेवा कर सकते हो। इसमें नाम आएगा इच्छापूर्ण बालाजी गौ सेवा समिति। जो भी राशि है गायें रे वास्ते देना चाहो, आप इसके पुनीत मार्ग में दान पुण्य कर सकते हो। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे। ये हमारे नंबर है, QR कोड है, स्कैनर है, इसको स्कैन करके आसानी से गौ सेवा करे। भगवान आप सभी गौ भक्तों की मनोकामना पूरी करे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। गौ माता के लिए पानी के लिए चारा के लिए जो भी सेवा दे, गाय माता पानी पी रही है, यह देखिए। ठीक मित्रों, आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। लाइव दर्शकों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।